खंडवा में मंगलवार को थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकानों का अतिक्रमण तोड़ा गया। जिला प्रशासन नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में 4 मकानों को धराशायी किया गया। दरअसल पिछले दिनों घासपुरा बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे के अनुसार राज्य शासन के नियम अनुसार ये कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनको पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। जी, ये जो अभी थाना कोतवाली क्षेत्र है वहाँ पर जो हिस्ट्री शीटर्स है और ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो हाल ही में घटनाओं में भी शामिल थे, जो पथराव की घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में उसमें शामिल थे, जिसके तरफ से आज जिला प्रशासन नगर निगम की तरफ से एक संयुक्त कार्रवाई उनका जो निवास क्षेत्र था वहाँ पर अवैध अतिक्रमण जहाँ उनके द्वारा किया गया था घासपुरा बांग्लादेश क्षेत्र में, उस अवैध अतिक्रमण को विधिवत नोटिस देकर आज उसको क्लियर किया गया, उसको हटाया गया। किस तरह का अतिक्रमण था इनका? उनका एक्सटेंशन था, बिना अनुमति के घर बनाए थे, नाले के ऊपर भी उनके कुछ अवैध घर जो उनका एक्सटेंशन था उसको हटाया गया है। कितने लोगों को नोटिस मिला था सर? इसमें 4 लोग जो चिन्हित किए थे इस अपराध में भी जो शामिल थे उनको नोटिस दिया गया था नगर निगम की तरफ से और उसका अतिक्रमण को हटाया गया। सर, ये कार्रवाई सामान्य गुंडा एक्ट के तहत की गई है? जी, ये अभी जैसे मध्य प्रदेश शासन के जो ऐसे जो हिस्ट्री शीटर्स है माफिया है उन पर कार्रवाई करने के जो निर्देश मिले हैं और ऐसे जो लोग चिन्हित लोग हैं जो लगातार क्षेत्र की शांति भंग कर रहे हैं और अपराधों में भी शामिल है, विगत दिनों हुई घटना में भी इनके शामिल होने की जो सूचना थी, इसलिए इनके हिस्ट्री शीटर्स इनके अपराध भी बहुत अधिक संख्या में, तो इनके जो निवास स्थान को किया। दूसरी तरफ जिन लोगों के मकान तोड़े गए उनका आरोप था कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध की गई है। आरोप अनुसार उन्हें अपनी बात रखने के लिए समय नहीं दिया गया था। भाइयों में से मतलब उन्होंने ये ऐसा काम करके चले गए। अब क्या कहोगे, कार्रवाई हो गई? क्या क्या कहोगे? हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कि हमारे जिसका है वो तोड़ेंगे और हमारे घर तोड़ दिए। नहीं तो पुलिस तो कह रही इनका नाम था उसमें बलवे में, जो उस दिन वो घटना हुई थी उसमें। क्या बोला वो? आपके घर से किसी का नाम आया है क्या उस झगड़े में, जो झगड़ा हुआ था? आदमी लोग थे ही नहीं उसी दिन, हमारे आदमी लोग बाहर गाँव गए, हमको मालूम भी नहीं कब कहाँ पर है कहाँ नहीं, हमको फोन भी नहीं आता, हमको फोन भी नहीं चलाते आता। ये मकान टूटने के पहले पुलिस ने आपको बताई थी कि आपका मकान तोड़ने वाले हैं? सर हाँ, कल बताई थी उन्होंने, चीट भी लगा के गई। 48 घंटे का टाइम दे के 48 घंटे का टाइम दे के गई थी हमारे लोगों को। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि जिन लोगों का पिछले दिनों हुई घटना में किसी तरह का कोई दखल नहीं है उनके मकान भी तोड़े गए। फिलहाल नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब तोड़ देंगे।